सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज चर्चा आपसे करें कि हम सभी लोग जानते हैं एक चिन्ह है जिसको कहते हैं स्वास्तिक, मंगल चित्र है। तो ये स्वास्तिक शुभ क्यों माना जाता है, क्या है इसका कारण, आइए इसी विषय पर आज करते हैं चर्चा। स्वास्तिक का चिन्ह किसी भी शुभ कार्य को आरंभ करने से पहले हिंदू धर्म में स्वास्तिक का चिन्ह बना करके उसकी पूजा करने का महत्व है। मान्यता है कि ऐसा करने से कार्य सफल होता है। स्वास्तिक के चिन्ह को मंगल का प्रतीक माना जाता है। स्वास्तिक शब्द को सु और अस्ति का मिश्रण योग माना जाता है। सु का अर्थ है शुभ और अस्ति से तात्पर्य है होना, अर्थात स्वास्तिक का मौलिक अर्थ है शुभ हो, कल्याण हो, शुभ कार्य। यही कारण है कि किसी भी शुभ कार्य के दौरान स्वास्तिक को पूजा या पूजना अति आवश्यक माना जाता है। लेकिन असल में स्वास्तिक का यह चिन्ह क्या दर्शाता है, इसके पीछे ढेरों तथ्य हैं। स्वास्तिक में चार प्रकार की रेखाएं होती हैं जिनका आकार एक समान हो। चार रेखाएं, मान्यता है कि यह चार रेखाएं चार दिशाएं हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इनकी ओर इशारा करती हैं। लेकिन हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह चार रेखाएं दिशाएं नहीं, बोले चार वेद हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद का प्रतीक है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि यह चार रेखाएं दृष्टि के रचनाकार भगवान ब्रह्मा के चार सिरों को दर्शाती हैं। ब्रह्मा के चार सिर हैं चारों दिशाओं की ओर, बोले ये वो है। चार देवों का प्रतीक, इसके अलावा चार रेखाओं की चार पुरुषार्थ हैं, चार आश्रम हैं, चार लोक हैं, चार देव हैं, यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश और गणेश से तुलना की गई है। स्वास्तिक की चार रेखाओं को जोड़ने के बाद मध्य में बने बिंदु को विभिन्न मान्यताओं द्वारा परिभाषित किया जाता है। मध्य स्थान मान्यता है कि यदि स्वास्तिक की चारों रेखाओं को भगवान ब्रह्मा के चार सिरों के समान माना गया तो फलस्वरूप मध्य में मौजूद बिंदु जो है, चार रेखाओं के बाद में जो मध्य में बिंदु है, भगवान विष्णु की नाभि है जिसमें से भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। इसके अलावा यह मध्य भाग संसार के एक धुर से शुरू होने की भी ओर इशारा करता है। तो ये चार जो रेखाएं हैं, जो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, भगवान ब्रह्मा के चार सर चार दिशाओं की ओर हैं, बीच में जो बिंदु है जहाँ से वो चारों रेखाएं इधर उधर बढ़ती हैं, वह भगवान विष्णु की नाभि है और उस नाभि से कमल निकला, कमल सिख के आसन पर ब्रह्मा बैठे और ब्रह्मा ने आकर के बाद में सृष्टि की रचना है। तो इसके बहुत से भाव हैं, हमने आपको ये भाव दिए हैं। मित्रों, पुनः मिलते हैं ऐसे ही रोचक वीडियो को लेकर के। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माता।